शामली के थाना भवन कस्बे के मेन बस स्टैंड पर मौजूद एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर पर मौजूद दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर किसी ने मोबाइल की दुकान में मेडिकल स्टोर संचालन कर बिना बिल के फर्जीवाड़े से दवाई बेचने व प्रतिबंधित दवाई बेचने की शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर पर कुछ संदिग्ध दवाइयों को भी कब्जे में लेकर सैंपल के लिए भेजा जा रहा है, जबकि जिन दवाइयों के मेडिकल स्टोर संचालक पर बिल मौजूद नहीं है उनकी सूची बनाई जा रही है। पूरी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की छापेमारी की सूचना बाजार में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कस्बे में मौजूद अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने मेडिकल स्टोर बंद कर दिए और पूरे कस्बे में हड़कंप मचा रहा। छापेमारी की शिकायत है IGRS पर कि बिना लाइसेंस के हैं और दुकान में फार्मेसिस्ट नहीं है और बिना बिल के दवाएं बेचते हैं। इसी शिकायत के आधार पर आज जांच की जा रही है। जांच में काफ़ी दवाएं हैं जो बिना बिल के हैं, उन सबको सीज किया जा रहा है और जो दो संदिग्ध दवाओं के नमूने हैं वो जाँच हेतु ले लिए गए हैं। सर और कितने लाइसेंस इनके पास है? सर कितने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई है? ये पहला मेडिकल स्टोर है जहाँ जाँच कर रहे हैं, इसके बाद और भी दुकानें हैं जो देखी। सर कस्बे में लगातार धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है मेडिकल स्टोर्स में, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, नशे का कारोबार धड़ल्ले से नहीं चल रहा है। इनकी शिकायत मिली है, उसकी जांच कर रहे हैं और जांच में कोई भी नशे की एक भी गोली या एक भी कैप्सूल इनके यहाँ नहीं मिला।